आई होप आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सबके मैसेजेस देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है एंड आप सबके प्यार के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड हु आर न्यू टू माय चैनल, अ बिग वर्चुअल हग टू यू एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड एक्चुअली आज थर्सडे मेरा साई गुरुवार व्रत का आज लास्ट गुरुवार का पूजा है, तो मुझे इवनिंग के लिए आज कुछ प्रिपरेशन करना है। अभी तो आफ्टरनून का टाइम है, आज भी लंच कर चुका है एंड राहुल को आते आते थोड़ा लेट होगा तो वो आके लंच करेंगे। एंड आज एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ, वो ओडिशा के हैं, तो उनको मैं बुलाई हूँ डिनर में, तो इसलिए कुछ प्रिपरेशन करना है। तो फिर चलिए किचन में चलते हैं एंड कुकिंग स्टार्ट करते हैं। खीर बनाऊंगी, राइस खीर ओडिशा स्टाइल। एक्चुअली मैं पहले राइस को थोड़ा आधा घंटा भिगो के रख दी थी, तो उसको मैं अभी थोड़ा घी में फ्राई करूंगी एंड उसके बाद मैं बताती हूँ फिर आपको। राइस का कलर थोड़ा चेंज होने के बाद हम उसमें पानी डाल देंगे। अभी इसको 10 मिनट कुक होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फिर मिल्क ऐड करेंगे। आधा घंटा कुक होने के लिए छोड़ देंगे, बीच बीच में ऐसे हम चेक करेंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। मैं छोले बनाऊंगी, इसके लिए मैं ये भिगो के रखी हूँ छोले। Thank you.
खीर ऑलमोस्ट हो गया है और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में सिर्फ कुक होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक मैं उधर छोले बना लेती हूँ। कुकिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। खीर, छोले, आलू कैप्सिकम एंड पनीर मटर बनके रेडी है। सिर्फ मुझे आटा गूंद के पूरी बनाना है, लेकिन वो तो मैं बाद में बनाऊंगी। आटा गूंद के रख दूंगी, पूरी मैं बाद में बनाऊंगी खाने के टाइम गरम गरम। तब तक थोड़ा मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। किचन पूरा फैला हुआ है, तो फर्स्ट मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। बहुत अच्छे से हुआ एंड हम लोगों का फ्रेंड्स आए थे, तो बहुत दिनों के बाद एक साथ हम डिनर किए, बहुत अच्छा लगा। एंड अभी मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ एंड आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लव यू, सी यू सून, बाय बाय।